गाइस, तो यहाँ पे शीशा लग चुका है। आज हमारे घर में आए थे लोग थोड़ा सेटअप करने के लिए, उन्होंने तो लगवाया मैंने यहाँ पे नेल, एंड यहाँ पे ये मेरी पेंटिंग भी मैं टांगने लिया जो मैंने बनाई थी ना अर्लियर, द सेम। सर व्हाट यू डूइंग सर? मेरे हस्बैंड काफ़ी ज़्यादा सेल्फिश हो चुके हैं दोस्तों, मैं क्या बताऊँ, अपना कल्ला कल्ला मील बनाते हैं, कल्ला कल्ला खाने ਪਰ ਉਹ ਕਿਉਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ? ਇਹਨੂੰ ਮੀਲ ਪ੍ਰੈਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੀਲ ਪ੍ਰੈਪ। ਜੋ ਬੰਦੇ ਜਿਮ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਨਕੇ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਮੀਲ ਪ੍ਰੈਪ ਕਰਨਾ। ਮੀਲ ਪ੍ਰੈਪ ਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਤੁਸੀਂ? ਕੱਲਾ ਪ੍ਰੈਪ ਪ੍ਰੈਪ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਮੀਲ ਤੇ ਥੋੜਾ ਦਿਖਣ ਨਹੀਂ। ਬੋਲੋ ਪ੍ਰੈਪ 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 ਕੀ ਪ੍ਰੈਪ ਕੀਤਾ ਵਿਆਰੀਏ? ਦੇਖ ਤਾਂ ਸੀ पहले तो ग्रोसरी का बिल अप किया है, जो प्रैप से पता नहीं की किया। ले 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 चटपट अपना मील तैयार करके गांव जाई जा रही तो डेल भेज दे रहा हूं ना, तो बंदा प्यारी परोंठी खा ली दी है मेरे वाल वेख वेख के सवेरे चिल्ला के दी बंदी है ना। हेलो दोस्तों, कैसे हाल चाल है आपकी? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। ये है मेरे मतलब ही पति, मेरे बड़े कपड़े पागे बारे हमेशा तो डाई यही चक्कर। मेरे तो सोन वाले आ, जिम वाले आ, मेरे भी जिम वाले आ, खूब सारा चिकन मैरिनेट करके रख लिया था। और मैं लगता कि मैं ऐसे करती हूँ, बचे हुए चिकन को हम यूज कर लेते हैं, बचे हुए चिकन को हम यूज कर लेंगे बिरयानी बनाने के लिए। वैसे वो तो सारा एयर फ्रायर में करना चाह रहे थे, पर एयर फ्रायर में मैनू लगता कि चिकन ना ड्राई जा हो जाता क्योंकि वो सारा मॉइस्चर चूस लेता है। एंड सो मैं बच्चे हुए चिकन की बनाने वाली हूँ बिरयानी। एंड ये चिकन ब्रेस्ट है, चिकन तो मैं नहीं खाऊंगी, राइस खा लूँगी, पर हिम्मत खा लेगा। सो इस तरह हो जाएगा मेरा डिनर तैयार। बिरयानी की रेसिपी देखना चाहते हैं वो मेरे कुकिंग चैनल पे है, सेम रेसिपी को ही फॉलो करूँगी। सो मैं आपको बीच बीच में दिखाती रहूँगी कि मैं कैसे बनाती हूँ, ज़्यादा समय नहीं लगेगा क्योंकि चिकन ब्रेस्ट बहुत जल्दी कुक हो जाता है। सो वहाँ पे है थोड़ी ग्रॉसरी जो हम कल करके आए थे। कल हमारे कैलगरी में कैंडल मार्च था सिद्धू के लिए, एंड हम दोनों वहाँ पे गए थे नॉर्थ ईस्ट में, एंड तब हम ये इंडियन ग्रॉसरी से चीज़ें खरीद के आए हैं, जिसको मैंने अभी सेट नहीं किया है, उसे हम धीरे धीरे कर देंगे। मैं क्या तू मैनू दस दे, तू मैनू घट तो घट कितने पैसे लेगा, मैं टोटल कितने लेगा, मैं को होर भी ऑप्शन है। राजमा को मर्तबान में निकाल रहे हैं। बेचारा भाई काली कॉफी पीना है, मिठे वाली पी गया, कहना तो स्वाद ही बहुत है, कहना मैं पीती ही है। सो राजमा तैयार है खाने के लिए। पिछली बार मैंने छोटे राजमा लिए थे, मुझे ज़्यादा अच्छे लगे, इस बार वो थे नहीं, पर देखो तो सही। ओके, अगर जानना चाहते हैं ये मर्तबान कहाँ से लिया है मैंने, ये मैंने लिया है आइकिया से। आइकिया से आपको अफोर्डेबल मर्तबान मिल जाते हैं दोस्तों। मेरा कोई पैकेज आ गया है, पति के हाथ लगे पहले चाहते हैं। सो गाइस, बॉक्स मेरा ही है पर पति के हाथ लग गया पहले। इस बॉक्स में है बैग्स, और देख लाया कि मेरे सामान ना हो, तैयारी शुरू कर ली है अपने वेकेशन की। तो मैंने लिए है बैग दो, I'm so excited. लग्जरी बैग। डैडी आइस बंद कर लो, थोड़े दिल में कुछ हो जाना नहीं है। मेरा दिल तो हूँ ना, वो डिजाइनर बैग बनाते हैं सेम फैक्ट्री में से जहाँ पे अदर डिजाइनर बैग बनते हैं लाइक प्राडा गुची, बट इनके प्राइजेस उनके मुकाबले बहुत ज्यादा अच्छे हैं। सो मैं इनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी, जरूर से ट्राई करना अगर आपको लग्जरी बैग्स अच्छे लगते हैं। तो आप मैं दिखाती हूँ ये कैसे बैग। ओके दोस्तों, तो पहला बैग है ये वाला टाइनी सा, जो ये स्टाइल मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है, और
इसके जो हैंडल है वो अच्छी प्यारी चेन है. सो दिस इज अ क्यूट बैग. सो दिस इज अ क्यूट बैग. ये तू ही बैग आई हो 50-70 दे होंगे. हां 50-70 दे. 50-70 या 50-70 दे या 50-70 575. यस ओके दोस्तों, तो पहला बैग है ये प्यारा सा चेन वाला बैग जो कि शनेल बैग जैसा लगता है. इस पर टीबी लिखा हुआ है, टेडी ब्लेक. और मेरे पास ऐसा कोई भी स्टाइल नहीं है, मुझे ऐसे बैग लेना बहुत पसंद नहीं था, पर अब मैंने लगा कि ला सकते हैं. सो ये पहना हुआ कैसे लगेगा आपको दिखाती हूँ. सो ऐसे लग रहा है, टीचर लग रही है मैं, क्यूट. और मुझे लगता है कि ये चेन ना लंबी भी हो जाती है अगर आपको थोड़ा लंबा चाहिए. लाइक अगर आप इसको थोड़ा लंबा हैंग करना चाहते हैं तो गाइस कैन डू दिस. और साइड पे भी कर सकते हैं न्यूयॉर्क की पार्टी वार्टी पे थोड़ा टशन मारने के लिए. सो ये ले लिया है मैंने एक. और इसका जो फैब्रिक है ना वो है वेलवेट, वेरी नाइस. सो दूसरे बैग के लिए मैं ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि वो ट्रैवलिंग के लिए काम आएगा, स्पेशली एयरपोर्ट्स पे, क्योंकि बड़ा है, उसमें काफ़ी सारा सामान आ सकता है. वो स्टाइल मुझे बहुत पसंद है. मेरे पास ऑलरेडी उस स्टाइल के 2-3 बैग हैं. वो है ये प्यारा सा क्यूट बैग. एक्चुअली मैं ब्राउन लेना चाहती थी पर ब्राउन उनके पास स्टॉक में था नहीं, तो मुझे ब्लैक लेना पड़ा है. पर ब्लैक भी बड़ा मज़ेदार क्लासिक बैग है यार. सो वो है ये दिस क्यूट बैग. माय गॉड, मेरे पास जो अदर टेडी ब्लेक के बैग हैं उसमें ये लॉक नहीं है. इसमें ये अच्छा प्यारा लॉक है एंड यू गाइस कैन ओपन सामान रखें एंड उसको बाद में सिक्योर कर सकते हैं. सो दिस इज़ वेरी क्यूट. देन यू लॉक करके दोबारा से. सो क्यूट इट इज. सो जो बैग मैंने खरीदे हैं इनका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी एंड इसकी वेबसाइट का भी. इनके पास बहुत सारे स्टाइल्स हैं. प्लीज़ इसकी वेबसाइट पे जाके ज़रूर से देखना अगर आपको लग्जरी बैग्स अफोर्डेबल प्राइस में चाहिए. पति को दिखा के आते, जला के आते उनको. गाइस बिरयानी बनाने के लिए तैयारी कर ली है मैंने. एक्चुअली तैयारी नहीं की मैंने, बस वो एरिया को क्लीन किया था. तब मैंने देखा कि मेरे पास तो अनियन नहीं है और अनियन लेने के लिए जाना पड़ेगा मुझे. सो क्विकली मैं जो हमारे बिल्कुल पास वाला सोबीज है उसमें से थोड़े से अनियन लेके आती हूँ क्योंकि रेस्ट ऑफ द ग्रॉसरी हम कॉस्को से करेंगे क्योंकि हमें कॉस्को जाना है. क्योंकि हमारा सारा कुछ खत्म हो गया है दोस्तों. ऐसा कहो दोस्तों तो पिक सम प्याज. चोला ले लेते हैं अपना, गड्डी की चाबी ले लेते हैं एंड चप्पलें चेंज कर लेते हैं क्योंकि ये मेरी घर में पहनने वाली चप्पल है जो मैं बाहर बिल्कुल नहीं पहनती क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा प्यारी हूँ. बहुत ज़्यादा बातें नहीं करना चाहती हूँ मैं क्योंकि मैं बहुत स्मार्ट हूँ. गैराज को खोल लेंगे. गैराज एक बेहुदा आवाज़ करेगा. गैराज के डोर को ओपन रहने देंगे क्योंकि यहाँ से बहुत नेड़े जाएंगे. एक बात मैं आपको बता दूं दोस्तों, मुझे हिंदी बहुत अच्छी बोलने आती है. मैं पर्पसली हिंदी को पंजाबी के साथ मिक्स करके बोलती हूँ क्योंकि मुझे मज़ा आता है. सो जो दोस्तों को लगता है कि मुझे हिंदी अच्छी तरह नहीं आती है, मैं उनको बता दूं कि मैं हिंदी की प्रो हूँ, प्रो. ओके, ज़्यादा बोल रही हूँ शायद, नहीं हूँ. इतना ही हिंदी आती है मुझे. टुट्टी पच्ची. गड्डी में बैठेंगे, गड्डी का डोर बंद करेंगे, कैमरे को थोड़ा ठीक ठाक जहाँ सेट करेंगे जिससे हमारा चेहरा दिखता रहे, गड्डी को स्टार्ट करेंगे, चाबी को रखेंगे. गाड़ी में मेरे ना ज़्यादातर साइलेंट रहता है या फिर एक बंदे के गाने चलते हैं जिसको मैं बहुत बार बता भी चुकी हूँ, पर वो बंदे का जब गाने में लगाती हूँ ना तो मेरा मुंह उदास हो जाता है, दुखी. लगा लेते हैं ओदा ही कोई एंथम. सो कुकिंग के लिए ना मुझे ये वाले अनियन अच्छे लगते हैं क्योंकि ये ना बहुत अच्छा कुक हो जाते हैं. और सैलेड के लिए हम लाल खाते हैं तो एक सैलेड के लिए ले लेंगे. सो एक चीज़ लेने के लिए आई थी मैं, 5-7 ले लिए मैंने. और मुझे ना ये ब्रेड बहुत अच्छी लगती है, ये सावर सी होती है थोड़ी एंड इसमें सैंडविच बनाओ या फिर क्या बोलते हैं सूप के साथ भी बहुत अच्छी लगती है, तो ले लिए मैंने. Let's go. Okay, so smile like वापस आ गई हूँ मैं. Okay.
सो पहुंच चुकी हूँ मैं सारी इंग्रेडिएंट्स ला के। बेसिकली अनियन ही चाहिए थे मुझे, बाकी सारा कुछ मेरे घर में है। 5 बजने वाले हैं, 4:50 हुए हैं, ये डिनर बनेगा। हिम्मत एंड हस्बैंड दोनों जाने वाले हैं पार्क में, क्योंकि हिम्मत बेचारे के सिर्फ 2 दिन रह गए हैं लास्ट छुट्टी के, एंड फिर वो स्कूल जाएगा। आई डोंट नो, उसके हर बार स्कूल जाने पे ही मैं दुखी होंगी, रोऊंगी। आई एम गोना मिस हिम्मत गाइस, आई मस्ट से। हिम्मत, यू गोना मिस मम्मा? गाइस, हिम्मत सेड आई डोंट नो, आई डोंट केयर। हिम्मत सेड आई डोंट केयर। So, घर के छोटे मोटे कामों के लिए मैंने एक छोटू रखा है, वो है छोटू। छोटू, put this in a linen closet. These are bulb. Make sure be very careful. Linen closet. छोटू का दिमाग थोड़ा कट है दोस्तों। Excuse me? छोटू का बहुत बड़ा दिमाग है। And मैंने मेरी favorite bread लेके आई है, मैं खट्टी। तूने मांगी है? वही यार, जेड़े बेखे ही, अनियन वही ले आंदे। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਚਾਰ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਕੁਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਇਹ ਕੋਈ ਬਹਾਦਰੀ ਥੋੜੀ ਨਾ ਤੂੰ। ਯਾਰ ਸਿਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੰਨਾ ਦੁਖਿਆ ਨਾ ਰਾਤੀ ਕਿ ਸਿਰ ਦੇ ਦਰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀ ਗਈਆਂ ਬਾਹਰ। ਮੈਂ ਪੋਸਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂ? ਐਵੋਕੈਡੋ ਖਾ, ਸਵੇਰੇ ਰੋਟੀ ਅੰਡੇ ਖਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। सो मैं दो चीज़ें कर सकती हूँ। पहला मैं किचन को क्लीन करके कुक करूँ, या फिर कुक करना रख दूँ तो फिर क्लीन करूँ। डिश वॉशर मेरे प्यारे पति ने खाली कर दिया है, तो जल्दी से ऐसे करते हैं, अनियन को स्लाइस करके तड़का लगाना शुरू कर देते हैं, उसके बाद क्लीनिंग भी साथ साथ करते चलेंगे। काम बहुत ज़्यादा है, भूख काफ़ी लगी है और मैंने कुछ खाया नहीं है, तो मैंने बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आया। सो लेट्स स्टार्ट द कुकिंग प्रोसेस। सो बिरयानी के लिए मैं मसाला यूज़ करूँगी, शान बिरयानी मसाला। इसका फ्लेवर काफ़ी अच्छा है। वैसे हमने शान के बाकी मसाले अटेस्ट नहीं किए हैं, मैंने सुना है कि कई सारी चीज़ें वो अच्छी बनाते हैं। अगर आपके पास कोई रिकमेंडेशन है इनके मसाले की, प्लीज़ बताना, हम ट्राई करेंगे। अनियन को छील लेते हैं जल्दी से। साथ वाली गैस पे हम रख देंगे पानी, ताकि इसमें राइस बॉईल कर ले बिरयानी के लिए। आज मैं बिरयानी के लिए जो चिकन यूज़ करने वाली हूँ वो ऑलरेडी मैरिनेटेड है। वैसे मैं कच्चा चिकन ही यूज़ करती हूँ, लाइक सीधा रॉ। हस्बैंड ने ऑलरेडी मैरिनेट करके रखा था, तो इसे यूज़ कर लेंगे, अदरवाइज़ वो उसको एयर फ्रायर में करने वाले थे तो वो बहुत ही अजीब हो जाता। आज काम आएगा हमारे वो मिंट जो हस्बैंड लेके आए थे। Thank you.
Take some time so we can talk until the birds wake up, fill up each other's empty cups, share stories from our lives, from when we said goodbye. We could try to find what we left behind, take the good from the bad, leave the rest to the time. If we feel the same when we're sober. गाइस लुक एट दिस, नींबू एंड मिर्ची को सुखा रही हूँ मैं क्योंकि इसका मैं अचार बनाने वाली हूँ। ये मिर्ची मेरे हस्बैंड कुछ दिन पहले लेके आए थे एक ग्रीक ग्रॉसरी स्टोर से और ये इतनी ज़्यादा मज़ेदार तीखी है तो मुझे लगा कि अच्छा होगा इसे मैं अचार के लिए यूज़ करूँ। मुझे लगता है अब रेडी है, मैं आज या कल में इसका तड़का लगाऊंगी। इसकी रेसिपी भी है मेरी कुकिंग चैनल पर एंड यही वाली मिर्ची आज मैंने बिरयानी में भी ऐड की है। तो बिरयानी काफ़ी मज़ेदार बनी है। ज़्यादातर अगर मैं इस समय खाना बनाऊं और हिम्मतन हस्बैंड पार्क में हो तो मैं उनकी वेट करती हूँ, वो आएंगे तब खाना खाएंगे। बिकेज आज मेरे दिन का ये पहला मील है तो मुझे बहुत भूख लगी है एंड हिम्मतन हस्बैंड खा के गए हैं क्योंकि वो अराउंड 8 आएंगे वापस, वो 2-3 घंटे लगाते हैं जब जाते हैं। सो डिनर फॉर वन प्लीज़। ये जो क्लासिक पापड़ हैं मिर्ची वाले, काली मिर्च वाले, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। कई सारे मील इस पापड़ के बिना ना अधूरे होते हैं। दिस पापड़ इज मस्ट एंड मेरे लिए सैलड होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जब मैं खाती हूँ मुझे क्रंच चाहिए, ताज़ी सब्जियों का क्रंच। सो ये आज के दिन का मेरा पहला एंड आखिरी मील होने वाला है। मैंने कुछ दिन पहले ब्राउनी बनाई थी, मैं ब्राउनी खा लूंगी अगर मुझे भूख लगी है ना एज अ डिजर्ट। Just a little bit so I can get a little lit. Whoa, in my whip I keep my... दोस्तों खा लिया है मैंने और मुझे लग रहा है कि मैंने थोड़ा ज्यादा ही खा लिया, मेरे पेट ना थोड़ा अफर गया है। सो अब बारी आती है क्लीन अप करने की। वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा सुस्त फील कर रही हूँ, दिल लगा के थोड़ा आराम कर लूँ क्योंकि खा के ना फिर काम नहीं होता है। पर अब देरी नहीं करेंगे, हम करेंगे क्लीन। मैं ना टाइमर लगाने वाली हूँ मेरे फ़ोन पे 25 मिनट का। हम कोशिश करेंगे कि 25 मिनट में जितना हो जाएगा हमसे अच्छा है, अदर फिर हस्बैंड या हिम्मत की हेल्प लेके करेंगे। सो 25 मिनट्स। सो जो कुछ गार्बेज में जाएगा उसको अलग रख देते हैं, जो फ्रिज में जाएगा उसको रख देते हैं ताकि कम मोक जाए। ओके, ये भी वॉश करने पड़े। Thank you.
cracking in my head, I made you holy. That was probably on me. Back in time, I didn't love me. Keep breaking my heart just for fun and made me think if I deserve it. Mind games are kinda toxic. So I'm gonna eat some brownie and watch movie. Movie देखने वाली हूँ आज मैं टैक्सी ड्राइवर जो मैंने बिल्कुल कभी भी नहीं देखी है एंड बड़ी क्लासिक फिल्म है वो बड़ी ही क्लासिक फिल्म है How is it, Mimi? It's good. Spicy to nahi chala? No, I just think you would feel spicy. Sir, try kariye sir. Tu camera mun te pa rahe hain main baad ch roti baad chawal baad mix karna. Thoda hor kha lo itni jaldi nakli review den di load nahi hai. ओके गाइस मैं तो रिव्यू नहीं मंगनी है ये क्योंकि फ्लेवर तो सेम ही है जरा हमेशा बनता व्हाट डू यू थिंक या इट्स ऑल या डिफरेंट है बढ़िया इट्स डिफरेंट द चिकन इज डिफरेंट एंड बिकॉज़ डैडी मैरिनेटेड इट्स डिफरेंट अनलाइक योर मैरिनेशन ला मैं मैरिनेट नहीं करती हिम्मत द हाउ कम द चिकन देयर योर चिकन कोरनी इज द बेटर बट देयर लेग्स ऑन योर लेग्स आर गुड नहीं होती ओके सो हिम्मत एंड हस्बैंड घर आ चुके हैं अब इन दोनों के खाने की बारी है तो ये खा रहे हैं दोनों जाने एंड इन्हें दोनों नु सर्व कर ले आई हूं मैं ये तो लाजवाब बना है सो हम लोग सैर करके वापस आ चुके हैं चारी खा रही हूं मैं समय हुआ है 9:30 और मुझे वीडियो एडिट करनी है आज एंड अपलोड करनी है आज मैं एडिट करने वाली हूँ 34 फैक्ट्स अबाउट मी क्योंकि मैं 34 ईयर्स की हुई हूँ तो मैंने सोचा कि काफ़ी समय हो गया कि ऐसी कोई वीडियो नहीं की है जिसमें मैं मेरे बारे में बातें करूँ सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी वो ऑलरेडी लाइव है जाके देख लें जब ये वीडियो जाएगी सब तक हम लोग वॉक करने के लिए गए थे और हमारे कम्युनिटी सेंटर में एक प्यारा सा कम्युनिटी लाइब्रेरी है जो पार्क के पास है जहाँ पे आप एक किताब छोड़ सकते हैं एक ले सकते हैं तो वहाँ से एक किताब लेके आई हूँ मैं वो है मीडियम किसी मीडियम की है लेडी जो कि मीडियम थी मीडियम मीन्स जिसके पास थोड़ी साइकिक एबिलिटीज़ है जो एक दुनिया को दूसरी दुनिया के साथ जोड़ती है अगर आपका कोई बंदा चला गया है और आप उसके साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मीडियम वैसे बंदे होते हैं जो आपको जोड़ सकते हैं अगर वो बंदा जो जा चुका है वो अवेलेबल हो बातचीत करने के लिए तो उसके बारे में उसमें 5-10 चैप्टर हैं अभी आपको ये वाली किताब है वो मैं आपको दिखा देती हूँ सो ये वहाँ से लेके आई हूँ मैं ये इसी को पढ़ के मैं वापस छोड़ दूँगी क्योंकि मेरे पास अभी वहाँ पे छोड़ने के लिए कोई किताब नहीं है जो भी मेरे पास किताबें मुझे बहुत पसंद है जो मुझे नहीं पसंद थी वो मैंने ऑलरेडी डोनेट कर दी हैं टोरंटो से आने से पहले वैल्यू विलेज में एंड सल्वेशन स्टोर में काफ़ी सारी किताबें वैसे मैंने गिव अवे की हैं सो दैट्स इट इसी तरह आज मेरा प्यारा सा दिन फिनिश होता है आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा अगर लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बहुत प्यारी वीडियोज़ बनाती हूँ मैं और मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सब्सक्राइब करेंगे लाइक करेंगे कमेंट करेंगे उससे मुझे पता चल रहा है कि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है और उससे मेरे चैनल को भी हेल्प होगी प्लीज़ मेरे चैनल की मदद करें थैंक यू वेरी मच मुझे मेरे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है मैं मिलूँगी नए वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और बिल्कुल मत भूलें दोस्तों यू गाइज आर ब्यूटिफुल द वे यू आर स्टे हैप्पी कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रॉन्ग You guys can do any freaking thing. All you have to do is think about it and take action. That's it. Easy peasy lemon squeezy.